जब जंगल में कोई जानवर दो कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, जब शेर ही दो कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है। एक फैंटेस्टिक डायलॉग के साथ में ट्रेलर कर दिया गया रिलीज़। 2 घंटे पहले ही ट्रेलर रिलीज़ हुआ है और 2 घंटे के अंदर 2 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर लिए उसने। तो आज हम देखने वाले पुष्पा का ट्रेलर, साथ में देखते हैं और देते हैं रिएक्शन हिंदी में। चलो फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, हाय माय नेम इज जावेद खान, वेलकम टू माय चैनल प्रोफेशनल रिएक्टर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं, नहीं तो लास्ट में बोलना था ना, ट्रेलर देख लेते पहले। गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। इसी कोशिश में पुलिस ने पुष्पा पर बरसाई गोलियां। पता चला है कि पुष्पा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की है। भाकरापेट की पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए। खून से लथपथ शर्ट पर मिले 8 गोलियों के निशान। सर्च टीम ने ढूंढ निकाली। पुलिस के हाथों पुष्पा की हत्या की अफवाहों की वजह से आप देख सकते हैं, चित्तूर और तिरुपति के कई इलाकों में दंगे शुरू हैं। इस वक्त अनामया सर्कल पर मौजूद है और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह पुष्पा के समर्थक हजारों की तादाद में सड़क पर उतर आए हैं। 8 गोलियां लगी है, किसी भी इंसान का बच पाना नामुमकिन है। पुलिस की पुष्पा को मारने की एक साजिश थी। सब बस यही देख रहे हैं कि पुष्पा पैसे किस तरह कमाता था। पर तुम्हारा माहिती है का पुष्पा ने उन पैसों का क्या किया? मेरी बेटी का हार्ट ऑपरेशन हुआ, उसका पैसा पुष्पा ने ही दिया। भगत आई, अब ये ठीक है। बेटी की शादी पुष्पा ने ही करवाई। पता है पुष्पा ने ही हमारे लिए घर बनवाए। अरे वो हम गरीबों को खाना खिलाता था। पुष्पा महीने के बाद भी दंगे जारी हैं। कई इलाकों में अभी भी सेक्शन 144 लागू है। कुछ लोगों का मानना है कि पुष्पा अब जिंदा नहीं है। अफवाह ये भी है कि वो जापान, मलेशिया या चाइना में कहीं हो सकता है। पुष्पा की बॉडी छुपा कर क्या पुलिस हमें गुमराह कर रही है? आखिर पुष्पा है कहाँ? जंगलों में लगाए गए वाइल्ड लाइफ सर्वेलेंस कैमरा का वीडियो हमारे चैनल ने अभी प्राप्त किया है। ये कैमरा जो शेरों को मॉनिटर करते हैं, उनकी फुटेज अब आप हमारे सिटी केबल स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये टाइगर, ये आया भाई। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। अगर जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है। क्या बात है, ये सिग्नेचर। पुष्पा को कुछ नहीं हुआ, पुष्पा जिंदा है ना। रोल पुष्पा का, पुष्पा 2। क्या बात है। ओके, तो आज अल्लू अर्जुन का बर्थडे भी है, तो हैप्पी हैप्पी बर्थडे सर। एंड आप ऐसे ही जियो, ऐसे ही छाते रहो पूरी इंडस्ट्री पे, ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में बनाते रहिए, हम ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। अब आते हैं ट्रेलर के ऊपर। तो भाई ट्रेलर बहुत ही अच्छा बना हुआ है, जैसा चाहिए था वैसा ही मिला लोगों को। अब यहाँ से हाइप क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। अल्लू अर्जुन ने जब पहली मूवी दी थी पुष्पा का पहला, तो इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन जब उसका सॉन्ग रिलीज़ हुआ, मूवी रिलीज़ हुई, तो जो क्रेज़ बना, जो हाइप बना, बच्चा बच्चा पुष्पा का स्टेप कर रहा था यार। तब तो पुष्पा 2 आ रही है, पता नहीं क्या ही करेंगे। तो आपको कैसा लगा ट्रेलर मुझे कमेंट में जरूर बताएं। कैसी लगी BGM, कैसा लगा स्टाइल पुष्पा का? अगर जो आपको पुष्पा का ट्रेलर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को भी लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। चलो बाय।